हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड ब्लीच, कि आप होममेड ब्लीच कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल लाइटन हो जाती है और ब्राइटन हो जाती है। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, जो कि इजीली आपकी किचन में अवेलेबल है, लेकिन आप देखोगे कि उनका यूज़ करके आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। आज मैंने भी बिल्कुल वही होममेड ब्लीच अपने फेस पे अप्लाई की थी और आप देख सकते हो कि इससे कितना अच्छा ग्लो आपकी स्किन पे आता है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो भी इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज़ करेंगे वो एकदम से आपके फेस को बिल्कुल लाइटन कर देता है, ब्राइटन कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल है। तो आप साथ के साथ देखोगे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके फेस पे आएगा। बट अगर आप इसे अपने डेली लाइफ रूटीन में फॉलो करोगे, जैसे कि वीक में 3 times, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी स्किन पे अगर कोई टैनिंग भी है वो तक इससे इजीली रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन एकदम धीरे धीरे लाइटर होना शुरू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्किन कहीं ना कहीं कुछ डार्क हो जाती है, या कहीं में भी हम बाहर जाते हैं और हमारी स्किन पर टैनिंग हो जाती है, सन की रेज हार्मफुल हमारी स्किन पर पड़ती हैं और हमारी स्किन पर स्पॉट्स हो जाते हैं और हमारी स्किन टोन है वो डार्कन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप देखोगे कि इस फेस मास्क को आप अप्लाई करोगे तो इससे आपकी स्किन पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो दिखेगा ही, प्लस आपकी जो स्किन टोन है वो धीरे धीरे लाइटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आप विजिबल रिजल्ट्स डेफिनेटली देख सकते हैं। सो हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है, टोमेटो, पोटैटो एंड कुकुम्बर। ये तीनों चीज़ों में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी हेल्प से आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स भी जाते हैं, प्लस आपकी स्किन लाइटन भी होती है और ब्राइटन भी होती है। क्योंकि टोमेटो, कुकुम्बर एंड पोटैटो तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं और इसका आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पोटैटो का भी सभी को पता है कि पोटैटो डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसमें स्टार्च होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। कुकुम्बर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि आपकी स्किन को एकदम कूलिंग इंस्टेंट मिलती है इससे और आपकी स्किन एकदम अच्छी अच्छी हो जाती है। सो इन तीनों ही हमने इंग्रेडिएंट्स को आज यूज़ करना है इस तरीके से कि हमने इससे एक बहुत ही अच्छे से होममेड ब्लीच रेडी करनी है। सो जो हमारा हमने ऐड करना है वो है बीट रूट पाउडर और कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस बीट रूट पाउडर को हम इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बीट रूट बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जिसकी हेल्प से आपकी स्किन एकदम अच्छी हो जाती है, प्लस आपकी स्किन पे एक नेचुरल सा पिंकिश सा ग्लो आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो हम इसीलिए इसके अंदर उसको भी ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे किस तरीके से बनाना है। सो जल्दी से हम देखते हैं कि हमने इस फेस मास्क को कैसे रेडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक मीडियम साइज का पोटैटो, हम इसे सीधा कट कर लेंगे। इसका भी हम हाफ ही लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और हम लेंगे 1 medium size टोमेटो और हम लेंगे इतना सा कुकुम्बर। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड हो गया अच्छे से, अब हम इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे और इसका जो जूस है वो निकाल लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे बीट रूट पाउडर, या आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, आप नेचुरल बीट रूट भी ले सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कर्ड, फ्रेश कर्ड ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो अब मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन लेमन से सेंसिटिव है, लेमन नहीं सूट करता, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। सो अब आप ब्रश की हेल्प से या फिर कॉटन बॉल की हेल्प से इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अच्छे से पूरे फेस पे इवनली अप्लाई करना आपने। अगर आप चाहो तो आप इसे नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आपको 15 to 20 minutes वेट करना है, देन आप अपने फेस को इजीली वाटर की हेल्प से रिंस कर सकते हो। सो अब ये कम्प्लीटली अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम इसे वाटर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। सो आफ्टर वॉशिंग हमारा फेस बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम ग्लोइंग। इसे बीट रूट है, इसे समथिंग हल्का फुल्का एक नेचुरल सा ब्लश भी आ जाता है फेस पे,
जिसकी हेल्प से आपकी स्किन एकदम लाइटन और ब्राइटन हो जाती है। सो आप भी इस तरीके से फेस मास्क को रेडी करो और इसे अपने फेस पे अप्लाई करो और खुद देखो कि इससे कितने अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन पे आते हैं, क्योंकि होममेड ब्लीच बहुत ही अच्छी होती है। ये आपकी डेफिनेटली स्किन को लाइटन कर देगी। जब आप इसको अप्लाई करो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसे अप्लाई करके क्या रिजल्ट्स मिले। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे ये चीज़ बताओगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।